अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कल के क्वेश्चंस हम एड्रेस कर लेते हैं। फर्स्ट 10 मिनट्स भी रहते हैं आप लोगों के, तो उसके लिए प्लीज़ हैंड रेज कर दें और मुझे बताएं। अगर आपको आवाज़ आ रही है पहले तो उसका बता दें मुझे, और अपनी अटेंडेंस भी लगाते जाएं, प्रेजेंट लिखते जाएं। आवाज़ आ रही है मेरी सबको? कोई एक बंदा रेज हैंड कर दे आवाज़ आ रही है तो। आई गेस आवाज ठीक है, आवाज आ रही है। और कोई क्वेश्चंस कल के बारे में तो वो भी कर लें। क्वेश्चंस कल के बारे में कोई नहीं है, हम फिर थोड़ा सा वेट करते हैं बाकी लोग आ जाएं ताकि हम उसके साथ फिर सेशन स्टार्ट करें। नहीं तो आप लोग कल के क्वेश्चंस कोई करना चाहते हैं कोई और रिलेटेड उससे चीज़, पिछले लेक्चर से रिलेटेड, तो उसको हम क्लैरिफाई कर लेते हैं। फर्दर आज कौन से दो लोग मेरे साथ होंगे? वकास और मेरे ख्याल है कल उमैमा हमारे साथ थे। आज जिनके अलावा कोई दो मुझे बता दें तो बेहतर हो जाएगा। क्वेश्चंस नहीं है कल के लेक्चर से या उससे पिछले लेक्चर से? ओके, आज के लिए फिर कल तो उकास और उमैमा हो गए, तो मेरे ख्याल अब उनको रेस्ट देना चाहिए। तो अगर आप लोग खुद पिक करते हैं, उसामा, अली, हमज़ा, अक्सा एंड आयज़ा अफजाल, मेरे ख्याल है ये तीन चार थे और नाम मेरे पास। अगर आप लोग खुद उनमें से वॉलंटियर करते हैं तो कर दें आज के लिए, नहीं तो मैं खुद पिक कर लेता हूँ। ओके आयज़ा, आप एक और एक बॉयज़ में से उसामा या अली में से कोई एक अगर आना चाहें तो साथ। अली हमज़ा है ये जो उसमें से है। उसामा है प्रेजेंट? उसामा आप हो तो मेरे साथ सेशन में आ जाएं। उसामा मेरे ख्याल अभी तक आई नहीं है, अगर नहीं है अली हमज़ा, अली चले, अली हमजा चले। आज आपके साथ सेशन हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं दोनों के साथ। मैं आप दोनों का माइक अनम्यूट कर रहा हूँ, ठीक है? होपफुली जिस तरह आप लोगों ने कहा हुआ कि इंटरनेट भी आपका अच्छा है, ठीक है, तो ये मेरा हैंड वेव देख लें, बेहतर नजर आ रहा है आप दोनों को? ठीक है, कोई ज्यादा लैग तो नहीं है ना? कोई ज्यादा लैग तो नहीं होता? ठीक है, बहुत ज्यादा लैग हो फिर आपको भी समझने में मुश्किल होगी। ठीक है, थोड़ा सा मेक श्योर ये कर लें कि आपकी इन्वायरमेंट से भी नॉइज बहुत ज्यादा ना हो, ठीक है? ओके, तो कल एक क्वेश्चन एंड पर था, वकास का रह गया था, वो मैं उसी से स्टार्ट करता हूँ कि जो हमने एंगल बनाया था, एंगल ऑफ एक्स जे ओमेगा, और उसको हमने कहा था कि ये पाए और माइनस पाए से ऊपर, पाए बाय टू था या माइनस पाए बाय टू, यानी कि वो जो रेंज थी वो से ऊपर नहीं जाएगा, पाए और माइनस पाए से ऊपर नहीं जाएगा, ठीक है? तो लेट मी चेक वंस अगेन कि ये इसकी एग्जैक्ट लिमिट क्या थी। उसका आंसर तो मुझे याद आ गया था, लेकिन लिमिट्स एग्जैक्ट मुझे फिर भी देखने दें। ओके, यस, पाई बाय टू और माइनस पाई बाय टू से ऊपर क्यों नहीं जाता? इसकी सिंपल रीजन ये है कि आपका ये जो एंगल बन रहा था, इसकी इक्वेशन अगर आप देखें तो ये माइनस टेन इनवर्स द ऑफ द आर्गुमेंट है, और आर्गुमेंट में आपके पास है ओमेगा ओवर ए। अब ये जो ओमेगा है ना, ये ओमेगा इस एक्सिस पर है, ठीक है, ये ओमेगा के रिस्पेक्ट से प्लॉटिंग हो रही है, ठीक है? तो जब ये चीज ओमेगा के रिस्पेक्ट से प्लॉट होगी ना, तो अब ओमेगा मैक्सिमम क्या पुट कर सकते हैं? इन्फिनिटी, ठीक है? अब जब वो इन्फिनिटी आप पुट करते हैं तो टेन इनवर्स इन्फिनिटी पाई बाय टू हो सकता है, और माइनस टेन इनवर्स
माइनस, अच्छा टेन इनवर्स माइनस इन्फिनिटी पुट करेंगे तो वो माइनस बाहर निकल आएगा, उसकी वजह से पॉजिटिव पाई बाय टू पर आप पहुंच जाएंगे, और अगर आप सिर्फ इन्फिनिटी पुट करते हैं तो वो माइनस पाई बाय टू। मैं इसको नीट लिख देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए कि ये क्या कह रहा हूँ मैं। आपके पास है माइनस टेन इनवर्स ओमेगा बाई ए, अब आपने पुट किया ना पॉजिटिव इन्फिनिटी, तो ये इस माइनस की वजह से माइनस पाई बाय टू आंसर आएगा इसका। लेकिन अगर आपने माइनस इन्फिनिटी पुट किया ना तो ये जब माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा प्लस हो जाएगा और इन्फिनिटी की वजह से पाई बाय टू आंसर आ जाएगा। होपफुली विकास को ये बात क्लियर होगी। विकास अपना हैंड रेज कर दें, आपका कल ये क्वेश्चन था, आपको अगर क्लियर हो गई है तो, क्योंकि ये ओमेगा की रेंज हमने पुट की है। विकास क्लियर होगी बात, ये क्वेश्चन है, मैं विकास को अनम्यूट करके उसकी क्यूरी में। विकास ये बात क्लियर होगी आपको कि ये पाई बाय टू होगी? सर ठीक है, ओके चले हम अब बाकी सेशन का अपना करते हैं। एक जेन में और रख लीजिएगा चीज के, पहले तो मैंने ये बताया सबको, विकास आप अपना हैंड लोअर कर सकते हो, मैंने सबको ये बताया कि जो आपको कॉम्प्लेक्स कांस्टेंट कॉम्प्लेक्स आएगा एक्स ऑफ जे ओमेगा, उसके अंदर आपने मैग्नीट्यूड प्लॉट करना है। मैग्नीट्यूड में बेसिकली प्रॉपर इन्फॉर्मेशन होती है किस फ्रिक्वेंसी का कितना हिस्सा है। फिर फेज क्यों प्लॉट कर रहे हैं? अच्छा फेज वैसे तो हम प्लॉट करते हैं, लेकिन फेज का एक्चुअल मुझे भी ये क्यूरी आई थी, मेरे जेन में आई थी, मैंने इंटरनेट वगैरह को सर्च किया और सब चीजें, तो कहते हैं फेज को वाकई बहुत ज्यादा रेफर नहीं किया जाता, लेकिन फेज का मकसद तब आता है जब आप एक सिग्नल को दूसरे के साथ कंपेयर कर रहे होते हैं। फेज का अकेला कोई मकसद नहीं है, ठीक है ना? तो फेज का मकसद तब आता है जब दूसरा तीसरा ये तीन चार सिग्नल आपस में कंपेयर कर रहे हो या एक को दूसरे से कंपेयर कर रहे हो, फिर फेज को आप प्ले में लाते हैं, वरना फेज की जरूरत नहीं पड़ती है। अगर अकेला सिग्नल हो तो फ्रीक्वेंसी से सिर्फ उसके मैग्नीट्यूड से काम चल जाता है, ठीक है? ये चंद बातें होंगी पिछले लेक्चर के मुताबिक। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, किसी और सिग्नल का फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालते हैं और देखते हैं कि किस सिनेरियो से कैसे सिग्नल आए तो आप फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालते हैं। नेक्स्ट हमारी एग्जाम्पल है 4.2, और इसका भी थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है हमारे पास। हमें एक्स ऑफ टी गिवन है ई माइनस ए एब्सोल्यूट मॉडुलस ऑफ टी वेयर ए इज आल्सो ग्रेटर देन जीरो। अगेन दिस इज अ कॉम्प्लेक्स कांस्टेंट, इसका मतलब ये नहीं होता कि ए वेरिएबल है, इसका मतलब होता है कि ए है कोई कांस्टेंट वैल्यू ही, लेकिन वो ग्रेटर देन जीरो। ये जनरल, ये कहने का मकसद होता है कि हम जनरल ए के लिए कर रहे हैं, ठीक है? यानी कि ये ए 5 हो, 10 हो, 20 हो, 5+2j हो, 5+3j होगा कांस्टेंट, लेकिन एक जनरल पॉजिटिव कांस्टेंट होगा ये, ठीक है ना? बस ये इसलिए हम लोग ये नोटेशन होता है। तो जो फार्मूला हम ड्राइव करेंगे वो जो भी एक्स ऑफ जे ओमेगा आएगा वो किसी जनरल पॉजिटिव कांस्टेंट के लिए आंसर आ जाएगा, और दैट विल बी एंड ऑफ द स्टोरी। अच्छा अब यहाँ पर दो मसले आएंगे, और वो सबसे बड़ा मसला किसका होगा, किसका अभी आपको, आप इसकी इंटीग्रेशन कर लेंगे या इसका मसला आएगा आपको, अली या ऐसा, इसमें से सबसे बड़ी चीज कौन सी परेशान कर रही है इस टाइम आप लोगों को, क्योंकि ऑब्वियसली आपने पहली दफा इसमें क्या चीज देखी हुई, क्या फॉर्म परेशान कर रही है इस नोटेशन में? मॉडुलस परेशान कर रहा है, मॉडुलस समझ नहीं आ रहा मॉडुलस क्या होगा। मॉडुलस को वैसे तो आप प्लस माइनस टी के हिसाब से देखा, इसी तरीके से हम इसको चेंज करेंगे कि ये प्लस माइनस टी के हिसाब से हम इसको चेंज करेंगे, तो प्लस माइनस टी के हिसाब से इसकी मैथमेटिकल इक्वेशन भी दो चेंज हो जाएंगी। एक आप लिखेंगे टी ग्रेटर देन जीरो के लिए और एक लिखेंगे माइनस टी ग्रेटर देन जीरो के लिए, ठीक है? प्लस टी ग्रेटर देन जीरो के लिए आप इक्वेशन लिखेंगे माइनस ई माइनस ए टी, और माइनस टी ग्रेटर देन जीरो के लिए पहले तो बात है कि इसका मतलब है कि टी लेस देन जीरो है, क्योंकि आप जब माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइडों पर तो ये सिंबल क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। और इधर आप लिखेंगे ई माइनस ऑफ ए ऑफ माइनस टी, ठीक है ना? एक ये यहां पर भी आपने साइन चेंज कर देना है, तो ये ओवरऑल क्या बन जाएगा, ई ए टी बन जाएगा, ठीक है? अभी मैं इस चीज को आपको समझाता भी हूं मजीद ये किस तरीके से होता है। तो पहले हमारे पास इस चीज को जांच लें कि ये वाली जो इक्वेशन है ये अब क्या बन गई, ये अब आपके पास इक्वेशन बन गई एक्स ऑफ टी इज अ पीस वाइज इक्वेशन वेर ई इज माइनस ए टी when t is greater than 0 and e is at when t is less than 0, ठीक है? अब इस पीस वाइज को इसके साथ वेरीफाई करें हमने ठीक कहा या नहीं कहा, तो जरा हम दो सिचुएशन में वेरीफाई करते हैं। मैं t की दो वैल्यू लेता हूं, एक पॉजिटिव लेता हूं एक नेगेटिव लेता हूं,
मैं टी लेता हूँ प्लस फाइव, ये मेरा ब्लैक मार्कर काम नहीं कर रहा, टी लेता हूँ मैं प्लस फाइव और एक टी मैं लेता हूँ माइनस फाइव। पहले मैं इसमें पुट करता हूँ ई माइनस ए, क्या निकलेगा मेरे पास प्लस फाइव, ठीक है, और इसमें जब मैं पुट करूंगा तो मेरे पास निकलेगा ई माइनस ए प्लस फाइव, ठीक हो गया। अब मैं इसमें पुट करूंगा तो यहां पर मेरे पास टी क्या है पॉजिटिव, तो मेरे पास ई माइनस ए फाइव निकलेगा, और ये वाला जो मैं इधर पुट करूंगा क्योंकि टी लेस देन जीरो के लिए वैलिड है, तो मेरा ई माइनस ए सॉरी ई प्लस ए और टी खुद क्या है माइनस फाइव, उसकी वजह से ये भी मेरा ई माइनस ए फाइव निकलेगा। तो बेसिकली ये वाला मैंने इससे निकाले थे, ये तो ऊपर वाले, और ये जो नीचे वाले ये इस इक्वेशन से निकाले हैं। बेसिकली जब हमने इसको इससे शिफ्ट किया है तो अब मैथमेटिकल इक्वेशन ठीक आ गई है। मसला ये था कि इसकी इंटीग्रेशन हमें नहीं पता थी हम कैसे करेंगे, लेकिन इसकी इंटीग्रेशन हमें पता है हम कैसे करेंगे, ठीक है ना। तो हमने अब इस मैथमेटिकल फॉर्म को इसमें लाया, पहले हम इसको विजुअली करते हैं, ताकि विजुअल हम इसलिए करते हैं कि हमें इंटीग्रेशन की लिमिट्स पता चल जाए कि क्या लगानी है, ठीक है ना। अभी मैं इसको विजुअली इसी के ऊपर ले जाता हूँ और विजुअली हम करते हैं इसको, ठीक है। तो अब हमने उस सिग्नल को बदल के हमने कर दिया है कि हमारा x of t है नया e माइनस ए टी फॉर t ग्रेटर देन जीरो, सॉरी e ए टी फॉर ग्रेटर देन जीरो एंड t लेस देन जीरो, ठीक है, या मैंने रिवर्स मेरे ख्याल कर दिया, यस यही है। अच्छा अब इसकी पहले विजुअलाइजेशन करते हैं। टी पर टी ग्रेटर देन जीरो का पोर्शन है, ई माइनस ए टी तो हमने पहले पिछले भी बनाया था, वो था ई माइनस ए टी यू ऑफ टी, ठीक है ना, ये तो हमने पीछे बनाया था, तो ये तो था इस तरह से जाएगा, ठीक है, डिकेंग एक्सपोनेंशियल था। और ये ई ए ऑफ टी अगर माइनस इनफिनिटी से लेकर चले ना तो ये आपको मिलेगा राइजिंग एक्सपोनेंशियल, ठीक है, और ये दोनों ज्वाइन एक ही जगह पर करेंगे क्योंकि ये है टी इक्वल टू जीरो वाली जगह। तो टी इक्वल टू जीरो क्या होता है, ई पावर जीरो क्या होता है वन होता है, चाहे आप इस इक्वेशन में डालें चाहे इस इक्वेशन में डालें, तो ये वन पर आकर मीट करेंगे, ठीक है। जैसे जैसे टी की वैल्यू माइनस में कम होती जाएगी वैसे वैसे ऊपर जाता जाएगा, ठीक है ना, यानी कि ई ए माइनस टेन छोटा होगा, ई ए माइनस फाइव थोड़ा सा बड़ा होगा, ई ए माइनस वन मजीद बड़ा होगा, ठीक है ना। इस तरीके से ये राइजिंग एक्सपोनेंशियल बनेगी। और इस कर्व की इक्वेशन क्या है, ई माइनस ए टी डिक्रीजिंग एक्सपोनेंशियल, और इस कर्व की इक्वेशन क्या है, ई पॉजिटिव ए टी सॉरी ये फॉलिंग एक्सपोनेंशियल है, डिक्रीजिंग एक्सपोनेंशियल है, और ये इंक्रीजिंग एक्सपोनेंशियल है। अब जब ये आ गया ना, अब आप इस पे लगा सकते हैं अपना एक्स ऑफ जे ओमेगा का फॉर्मूला। एक्स ऑफ जे ओमेगा का फॉर्मूला आप में से किसी को याद है, नहीं याद है, मैं लिख दूं, इंटीग्रल ऑफ माइनस इनफिनिटी टू प्लस इनफिनिटी एक्स ऑफ टी ई माइनस जे ओमेगा टी डी टी, ठीक है, कोई मुश्किल फॉर्मूला नहीं, बहुत आसान फॉर्मूला है। एक्स ऑफ टी आता है उसके साथ ई माइनस जे ओमेगा टी आता है, और एक्स ऑफ टी है तो डी टी के साथ आपकी इंटीग्रेशन होती है और पूरे उस एक्सिस पे होती है, ठीक है। ये इंटीग्रेशन दो लिमिट्स में टूटेगी, मैं अब सिग्नल मुझे नहीं चाहिए, मैं इसलिए सिग्नल की विजुअल फॉर्म मुझे चाहिए। यहां तक इस रेंज में सिग्नल की एक डिफरेंट फॉर्म है, इस रेंज में सिग्नल की एक डिफरेंट फॉर्म है। तो ये x ऑफ j ओमेगा है, ये इसकी इंटीग्रेशन लिमिट दो मुख्तलिफ एरियाज में टूटेगी। पहला एरिया क्या होगा, माइनस इनफिनिटी से लेकर जीरो, इसमें मुझे आप दोनों में से कोई बता सकता है कि इसमें सिग्नल की क्या इक्वेशन है, माइनस इनफिनिटी से लेकर जीरो तक के रीजन में सिग्नल की क्या इक्वेशन है x ऑफ t की? सर e पावर at, e पावर at, इसको मैं मल्टीप्लाई किसके साथ करूंगा, x ऑफ t को किस पावर, e पावर माइनस j ओमेगा t dt। दूसरी रेंज में मेरे पास किस, इस रेंज में मेरे पास जीरो से प्लस इनफिनिटी किस में क्या पावर है, माइनस et, और मैं माइनस j ओमेगा टी के साथ मल्टीप्लाई करूंगा, बस। अब मेरा सिग्नल का काम इतना था मेरा, अब ये मैं मिटा भी दूं तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस ये काफी था मेरे लिए, ठीक है ना। तो विजुअलाइजेशन इसलिए जरूरी थी, अगर आप अपने दिमाग के अंदर ये कर सकते हैं काम तो आपको बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, ये बस इतनी सी बात थी। अगर आप खुद विजुअलाइज कर सकते हैं, इसलिए बुक में कभी कभार डायरेक्ट दिया जाता है क्योंकि वो अज्यूम करते हैं कि स्टूडेंट विजुअलाइज कर लेगा, ठीक है।
अब बाकी आपकी मैथमेटिक्स रहेगी, प्योर मैथमेटिक्स, इंटीग्रेशन कैसे करनी है वो रहेगी है, ठीक है। इसके बाद सिग्नल सिस्टम का काम खत्म हो गया, आप पावर्स को ऐड कर लें जिस तरह कल सिखाया था आपको, कल इंटीग्रेशन कल भी हमने की है, इसी चीज की है, तकरीबन इसी चीज की है, ठीक हो गया। इसकी इंटीग्रेशन क्या आएगी, वन ओवर ए माइनस जे ओमेगा एक्सपोनेंशियल ए माइनस जे ओमेगा टी एवेल्यूएटेड एट माइनस इनफिनिटी टू जीरो प्लस, सॉरी प्लस नहीं माइनस आएगा क्योंकि ये जब आप इंटीग्रेट करेंगे तो ये नीचे आएगा और माइनस साइन लेकर आएगा अपना, एक्सपोनेंशियल माइनस ए प्लस जे ओमेगा एवेल्यूएटेड एट जीरो टू प्लस इनफिनिटी, ठीक है। मैं अब थोड़ा थोड़ा शॉर्ट करके लिखूंगा क्योंकि मेरे पास जगह कम है। ए माइनस जे ओमेगा, सबसे पहली लिमिट अपर लिमिट जीरो है, तो ए माइनस जे ओमेगा टी के साथ मल्टीप्लाई हो तो टी क्या है, जीरो है, तो ये पूरी पावर जीरो हो जाएगी, ठीक है। माइनस एक्सपोनेंशियल टी माइनस इनफिनिटी है, माइनस इनफिनिटी के साथ पूरी पावर, पूरी चीज मल्टीप्लाई करूंगा, पूरी चीज क्या हो जाएगी, माइनस इनफिनिटी, ठीक हो गया। माइनस वन ओवर ए प्लस जे ओमेगा, ठीक है। ये सबसे पहला, ये मैं टॉप पे ना ले जाऊं ताकि आप लोगों को भी देखने में आसानी हो, मुझे भी करने में आसानी हो, मैं टॉप पे ले जाता हूं, ठीक है। वन ओवर ए माइनस जे ओमेगा ई पावर जीरो माइनस ई पावर माइनस इनफिनिटी, अच्छा आगे आ जाए, माइनस वन ओवर ए प्लस जे ओमेगा, हाँ जी, वन ओवर ए प्लस जे ओमेगा, इसके अंदर पहली पहली लिमिट क्या, प्लस इनफिनिटी, ठीक है ना। तो ई माइनस तो फॉर्मूले का है या पावर का है और प्लस इनफिनिटी आ जाएगा, ठीक है। माइनस एक्सपोनेंशियल पूरी पावर के साथ क्या मल्टीप्लाई होगा, सेकंड लिमिट जीरो, ठीक है ना। तो आपके पास, आपके पास क्या आ गया, वन ओवर ए माइनस जे ओमेगा वन माइनस ई पावर माइनस इनफिनिटी क्या होगा, जीरो, जीरो होगा, क्यों क्यों होगा, वन ओवर ई इनफिनिटी विच इज इनफिनिटी, वन ओवर इनफिनिटी इज जीरो। ये मैं आप लोगों के लिए नहीं कर रहा, ये मैं बाकी क्लास के लिए भी कर रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है कि बाकी क्लास हो सकता है डायरेक्ट ई पावर माइनस इनफिनिटी को जीरो ना कह सके, ठीक है ना। माइनस मतलब बाकी क्लास में से काफी मतलब एवरेज स्टूडेंट होते हैं ना, और ये e पावर माइनस इनफिनिटी बनता है, ये अगेन जीरो होगा क्योंकि e पावर माइनस इनफिनिटी बन जाता है, और ये पावर e पावर जीरो हो जाता है तो ये वन हो जाएगा, ठीक है। तो ये जीरो माइनस वन, ठीक है, वन माइनस जीरो और ये जीरो माइनस वन, तो ये माइनस वन हो गया और ये वन हो गया, ठीक है। ये माइनस वन मल्टीप्लाई बाय दिस प्लस हो गया और ये वन मल्टीप्लाई बाय दिस ये हो गया, ठीक है ना। तो ये अब दोनों क्या हो गए, एड हो गए। इन दोनों को जब आप ऐड करेंगे तो क्या आएगा, a प्लस जे ओमेगा प्लस a माइनस जे ओमेगा, और ये नीचे आ जाएगा a स्क्वायर माइनस जे स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। दिस कम्स आउट टू बी 2a ओवर a स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर, और आप अपनी बुक में जाकर अगर आप देखेंगे तो एग्जैक्ट यही आंसर आया हुआ है x ऑफ j ओमेगा का, ठीक है। समझ आई ये सारी डेरिवेशन कैसे हुई है मैथमेटिकल? यस सर। अब आपने अगेन इसको प्लॉट करना है तो आप ओमेगा की एक रेंज लेंगे मैटलैब पर, कोशिश करें। अच्छा, इसमें तीन पॉइंट्स बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं हमेशा की तरह, ओमेगा इक्वल टू जीरो, ओमेगा इक्वल टू ए, ओमेगा इक्वल टू माइनस ए, ठीक है। ये बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाते हैं, ठीक है। तो आप अगर प्लॉट करना चाहें मैटलैब पे तो उसमें एक रेंज ले लिया करें माइनस 60 से लेकर 0.01:60 और प्लॉट किया करें, स्टेम ना किया करें इसको, ठीक है ना। और अच्छा, इसमें मैग्नीट्यूड लेना पड़ेगा कि नहीं लेना पड़ेगा, एक्स ऑफ जे ओमेगा का मैग्नीट्यूड क्या आएगा, कोई आइडिया है आप दोनों में से किसी को? कोई मसला नहीं, अगर आइडिया नहीं है कोई मसला नहीं, आप बता दें। नहीं सर हमें नहीं पता, कोई मसला नहीं है इसमें सर, मैग्नीट्यूड लेने की जरूरत ही नहीं है इसमें। नहीं, अगर मैग्नीट्यूड लेते हैं फिर क्या होगा
सर यही चीज आएगी। हाँ रियल नंबर का मैग्नीट्यूड वो खुद ही आता है, ठीक है ना, तो मैग्नीट्यूड लेने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए ये एज इट इज प्लॉट होगा, ठीक है। इसका मैग्नीट्यूड जीरो आएगा, सॉरी फेज जीरो आएगा, मैग्नीट्यूड है ही नहीं ना, रियल नंबर इमेजिनरी नंबर है नहीं, इमेजिनरी नंबर ऊपर आता है ना, तो टैन इनवर्स जीरो डिवाइड बाई रियल नंबर जीरो, ठीक है ना। तो ये चीज है, ठीक हो गया। अच्छा इसकी भी बेल शेप टाइप कर्व भी आती है तकरीबन, ठीक है। अगर वैसे मैं आपको बुक यहाँ पर दिखा दूं, मेरे ख्याल में बुक दिखा तो सकता हूँ आप लोगों को, पता नहीं कैसा एक्सपीरियंस रहेगा। लेट मी शो यू बुक। नहीं बहुत छोटी तस्वीरें हैं, नहीं इससे काम नहीं चलेगा, चले रहने देते हैं। ओके नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास, है बड़ी सिंपल एग्जांपल लेकिन बड़ी ट्रिकी भी है, और इसको आपने ये समझ लें एक पेट रूल बनाएंगे हम इस एग्जांपल का, और इस कॉन्सेप्ट को आपने जेहन में रखना है और आगे लेकर चलना है इस चीज को, ठीक है ना। फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालने लगे हैं डेल्टा टी का, डेल्टा टी का हम फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालने लगे हैं, ठीक है। सो फॉर्मूला पर आ जाएं, डेल्टा टी का हमें ग्राफ चलें बना लेते हैं क्योंकि विजुअलाइजेशन हमें चाहिए होगी। डेल्टा टी का ग्राफ क्या बनेगा, जीरो पर एक पल्स वन एरिया की, वन हाइट की, ठीक है। तो इंटीग्रल ऑफ माइनस इनफिनिटी टू प्लस इनफिनिटी ऑफ एक्स ऑफ टी, ठीक है, ई माइनस जे ओमेगा टी डी टी, ठीक है। अब इसकी जब आप इंटीग्रेशन करने जाएंगे तो इंटीग्रेशन की लिमिट्स पुट करें, तो ये माइनस इनफिनिटी रहा, ये आपका प्लस इनफिनिटी रहा, तो पहली लिमिट आप क्या पुट करेंगे, माइनस इनफिनिटी टू प्लस इनफिनिटी, सॉरी मैं असल में नीट रखना चाहता हूँ इस जगह को, इसको मैं बिल्कुल कॉर्नर में यहाँ पर ले जाता हूँ। ये आपकी पल्स है जीरो पर वन, माइनस इनफिनिटी प्लस इनफिनिटी टी, और ये डेल्टा ऑफ टी है, ठीक है। तो पहली लिमिट आप पुट करें, पहली लिमिट आ जाएंगे आप माइनस इनफिनिटी से जीरो तक, लेकिन एग्जैक्ट जीरो के ऊपर पल्स है, जीरो से बिल्कुल पीछे तक पल्स नहीं है, तो मैं कह सकता हूँ कि बिल्कुल जीरो माइनस तक आपका जो पूरा सिग्नल है वो क्या है, जीरो है, जीरो, ठीक है। और जब मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ ई माइनस जे ओमेगा टी के साथ, तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, प्लस एग्जैक्टली एट जीरो देयर इज अ सिग्नल हुज हाइट इज वन, और ई माइनस जे ओमेगा टी इसको मैं लिखूंगा कि इवैल्यूएटेड एट टी इक्वल टू जीरो, यानी कि ये जो पूरा सिनेरियो है ये कोई इंटीग्रेशन नहीं है, बस सिर्फ एक पॉइंट है जो टी इक्वल टू जीरो के ऊपर खड़ा हुआ है, सिर्फ एक पॉइंट है टी इक्वल टू जीरो के ऊपर, कोई एरिया नहीं है, सिर्फ लोकेशन है, ये फर्क है इस इंटीग्रेशन में और इसमें, ये एरिया है और ये लोकेशन है, ठीक है ना। तो डेल्टास के सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि डेल्टा एरिया नहीं होता बल्कि लोकेशन होती है, हालांकि हम कहते ही है कि एरिया कंसंट्रेटेड एट वन लोकेशन, लेकिन मैथमेटिकली हमें ये कहना पड़ता है कि लोकेशन है। और आखिरी जो है वो एरिया जीरो प्लस से प्लस इन्फिनिटी, अगेन ये सारा का सारा जीरो है। तो आपका ये दोनों तो वैसे ही खत्म हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि जीरो से मल्टीप्लाई हो रहा है एक्सपोनेंशियल, तो इंटीग्रेशन आप कर ही नहीं सकेंगे, और ये वन मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अगर आपके पास डायरेक्ट यहां से अगर आप ये स्टेप भी कर देते हैं ना कि मैं इसको वैल्यूएट करूंगा टी इक्वल टू जीरो पर, ठीक है ना, डेल्टा टी इवैल्यूएटेड एट टी इक्वल टू जीरो, तो आप बात ठीक करेंगे। अब अगर हम इसमें टी इक्वल टू जीरो पुट कर दें तो हमारे पास क्या निकलेगा, वन इंटू एक्सपोनेंशियल माइनस जे ओमेगा टी, जहां पर आया जीरो पुट करो तो वन पावर ई पावर जीरो क्या होता है, वन, तो एक्स ऑफ जे ओमेगा क्या आ रहा है, वन आ रहा है। तो फोरियर ट्रांसफॉर्म जो डेल्टा ऑफ टी की है वो क्या आ रही है, वन, फोरियर ट्रांसफॉर्म एक्स ऑफ जे ओमेगा डेल्टा टी का क्या आ रहा है, वन। इसका क्या मतलब हुआ, इसको कैसे प्लॉट करेंगे सर, वन पे हॉरिजॉन्टल लाइन आ जाएगी, y एक्सिस पे हॉरिजॉन्टल लाइन आ जाएगी, ठीक है। तो जिस जिसको समझ नहीं आया वन पे हॉरिजॉन्टल लाइन क्यों आ जाएगी, याद करो कि पहले बचपन में प्लॉट कैसे किया करते थे, 9 10th फर्स्ट ईयर में प्लॉटिंग आती थी तो कैसे करते थे, फिजिक्स की प्लॉटिंग, एक पॉइंट x एक्सिस पर लेते थे, कहते थे अच्छा x एक्सिस पे 0 पे मेरा रीडिंग आई थी 1,
ठीक है, फिर आप कहते थे एक्स एक्सिस पे वन पे मेरी रीडिंग फिर आई थी वन, फिर टू पर आई थी वन, ठीक है, और फिर आप इन लाइंस को ज्वाइन करना शुरू कर देते थे इन पॉइंट्स को, ठीक है। अब मेरा भी यही काम है, ओमेगा के ऊपर मेरा हर ओमेगा की वैल्यू पे मेरा पॉइंट आ रहा है वन 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 वन, ठीक है ना, तो मैं उनको ज्वाइन करूंगा स्ट्रेट लाइन। मैटलैब भी इन्फेक्ट करता यही काम है आपका, सिर्फ आपको पता नहीं चलता, ठीक है ना। अगर आप मैटलैब वैल्यूएट करता है मुख्तलिफ पॉइंट्स को ये और उसके बाद ज्वाइन कर देता है उनको, ठीक है। अगर आप स्टेम की कमांड करें तो उनको ज्वाइन नहीं करता, उनको उधर ही दिखाता है, ठीक है। यहां से मैं एक्स ऑफ टी को डेल्टा टी को थोड़ा सा एक्सटेंड करूंगा ताकि आप ये पेट रूल अपने जेन में बिठा लें कि डेल्टा ऑफ टी जैसी मर्जी आ जाए आप उसको वैल्यूएट कैसे करेंगे। बुक में ये चीज नहीं है अलहदा से, लेकिन मैं चाहता हूँ कि एक दफा मैं आपको समझा दूं कि डेल्टा ऑफ टी जैसा भी आ जाए क्या काम करना है आपने। पहले मैं इस डेल्टा ऑफ टी को थोड़ा सा चेंज करता हूँ और मैं कहता हूँ कि जो मेरा डेल्टा ऑफ टी था इसकी हाइट कुछ ना कुछ थी, वन नहीं थी, वन के अलावा कुछ थी। तो मैंने कहा मेरा डेल्टा ऑफ टी की हाइट कैपिटल के थी, ठीक है, तो फिर क्या फर्क पड़ेगा। फिर आप कहेंगे कि एक्स ऑफ जे ओमेगा इज ऑफ हाइट के एक्सपोनेंशियल माइनस जे ओमेगा टी वैल्यूएटेड एट टी इक्वल टू जीरो, ठीक है, वो हाइट यहां पर आएगी। लेकिन क्योंकि वो टी इक्वल टू जीरो के ऊपर ही हाइट है तो वो टी इक्वल टू जीरो पर ही इवेल्युएट होगा। इसका आंसर आएगा के एक्सपोनेंशियल माइनस जे ओमेगा इनटू जीरो, और फिर अगेन ये वन होगा तो ये वन आएगा, तो ओवरऑल इसके पास आंसर क्या आएगा। ये बात समझ आई है? नहीं आई? नहीं आई? आ गई इस बात समझ आ गई है, ठीक है। तो अगर आपका जो सिग्नल है डेल्टा वो किसी के साथ उसकी हाइट मल्टीप्लाई हुई है, टू डेल्टा ऑफ टी है, थ्री डेल्टा ऑफ टी है, तो जो इवेल्युएशन है ना वो टी की एक्सिस की होती है, हाइट जो है वो मल्टीप्लीकेशन फैक्टर होता है एक्सपोनेंशियल के साथ। अब एक और चेंज मैं छोटी सी करने लगा हूं, उसके बाद फाइनल आपको जो भी डेल्टा का इस तरह का इंफॉर्मेशन आएगी आप कर लिया करेंगे, ठीक है। वो छोटी सी चेंज मैं ये करने लगा हूं कि मैं इसकी हाइट तो चेंज है ही है, मैं इसकी लोकेशन भी मूव करने लगा हूं, के डेल्टा ऑफ टी माइनस टी नॉट, और ये टी नॉट मुझे नहीं पता, ठीक है। तो मैं इसको कहता हूं कि मेरे पास एक वेव फॉर्म है टी नॉट, इसकी हाइट के है, वे फॉर्म नहीं डेल्टा का सिग्नल है, इसकी हाइट टी नॉट है, तो फिर मेरे पास क्या चेंज आएगा। फिर मेरा जो एक्स ऑफ जे ओमेगा आएगा वो हाइट के वैल्यूएटेड एट टी इक्वल टू टी नॉट आएगा। तो अब मेरे पास जो आंसर आएगा के एक्सपोनेंशियल माइनस जे ओमेगा टी नॉट आएगा। समझ आई है? ये ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो गया? आ गई समझ, ठीक है, यही होना है आपका। जो भी टी नॉट है ना, जब टी नॉट का शिफ्ट आएगा तो बस वो वैल्यूएशन है टी नॉट आ जाएगी, जैसे पहले वैल्यूएशन है जीरो आ रही थी ना, क्योंकि यहाँ पर अगर आप टी नॉट को जीरो पुट कर दें तो डेल्टा ऑफ टी हो जाएगा ना दोबारा, ठीक है ना। अगर आप टी नॉट को जीरो पुट कर देते हैं तो फिर डेल्टा ऑफ टी हो जाता है दोबारा, तो डेल्टा ऑफ टी को तो अब आपने टी नॉट पुट कर दिया। अब मुझे ये बताओ कि डेल्टा ऑफ टी माइनस थ्री, थ्री डेल्टा ऑफ टी माइनस थ्री का आंसर क्या होगा। ये सारी चीजें तुम्हारे सामने हैं। जी जी बोले, टी नॉट में हम थ्री पुट कर देंगे टी नॉट की जगह पे। फाइनल आंसर बता दें मुझे, ये एक चीज है ना, इसका फाइनल आंसर बता दें। थ्री माइनस जे ओमेगा थ्री। बिल्कुल ठीक है। और अगर मैं ये प्लस कर दूं फिर क्या होगा? फिर ई जे ओमेगा थ्री। यस, ई जे ओमेगा थ्री, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, ये बात अलग शुक्र आप लोगों को समझ आ गया, ठीक है, ओके। अब आगे चलते हैं हम लोग इसके बाद, ठीक है। ये मेरे ख्याल में मैंने 30 मिनट्स की क्लास कर ली है, 10 मिनट्स इसके क्वेश्चन आंसर सेशन हम रख लेते हैं इसके ऊपर, ठीक है, या आगे चलें? आज के लिए इतना काफी है या आगे चलें हम लोग? आप लोग क्या कहते हैं आयजा हमजा? काफी है सर। काफी है? यस सर। हमजा? यस सर, काफी है। अच्छा चले, बाकियों के लिए सेशन फिर ओपन करते हैं हम लोग। आप लोगों को तो क्लियर हो गया भाई, बाकियों के लिए सेशन ओपन है क्वेश्चनिंग आंसरिंग का, प्लीज आप बताएं जो आपने क्वेश्चन करने हैं। जी विकास का क्वेश्चन है,
आप लोग अपने हैंड लोअर कर सकते हैं बाकी लोग. जी विकास अली और ऐसा आप हैंड लोअर कर सकते हैं अपने. ये सर जब हमने अब देखें शिफ्टेड यूनिट इंपल्स का सिग्नल देखा तो उसके अंदर सर देखें वो एक्सपोनेंशियल की वो बी टर्म आ रही थी, यानी वो एक्स एक्सिस में वो मेगा डिपेंडेंट चीज आ रही थी. तो यानी सर जब शिफ्टेड यूनिट पल्स आएगी उसका इनवेलप बनेगा वो तो नहीं, फिर उसकी डीसी लाइन की तरह बनेगी जब वो टी इक्वल्स टू 0 के लिए हमने प्लॉट किया था. नहीं क्वेश्चन रिपीट करें, मुझे क्वेश्चन समझ नहीं आया. उसका जो फोरियर ट्रांसफॉर्म आ रहा है वो तो फोरियर ट्रांसफॉर्म है ना, उसका तो हमारे हमारे बस में तो नहीं है ना कि यार वो कौन सी फ्रीक्वेंसी अपने पास रखता है. इसमें तो हमारा कोई रोल नहीं है ना. अब अल्लाह जी जब ये अब ये नेचर ने एक सिग्नल इम्पल्स का बनाया है अगर, तो उसके अंदर अब वो फोरियर की अपनी वो वाली फ्रीक्वेंसी रखता है तो इसमें हमारा क्या कसूर है. ठीक है. नहीं नहीं सर मैं वो बेशक जो मर्जी बेशक नाम भी रखे उससे मसला नहीं है, लेकिन उसका जो हम जब हमने डेरिवेशन वगैरह भी की तो हमने कहा कि वो जो आखिर में चीज रह जाती है सारी ये मैनिपुलेशंस के बाद वो होता है उसका इन्वेलप होता है. ये आप किसी पुराने लेक्चर की बात कर रहे हैं आज के लेक्चर की बात कर रहे हैं? पहले मुझे कॉन्टेक्स्ट क्लियर, मैं इस टर्म की बात कर रहा हूँ ये जो भी हमने निकाली है सर टी इक्वल्स टू 3 के लिए. ठीक है तो सर इसके लिए देखें ना वो एक्सपोनेंशियल की टर्म बीच में आ रही है, यानी वो ओमेगा की टर्म आ रही है एक्स एक्सिस के साथ सर, वो स्ट्रेच और कंप्रेस होता जाएगा ऐसे ही है. नहीं स्ट्रेच और कंप्रेस क्यों होगा, ओमेगा की टर्म आ रही है तो सर वो अभी लिखे ना जरा टर्म लिखे हैं जो मैं कौन सी टर्म सर ये जो भी 3 जे ओमेगा इक्वल्स टू एक्सपोनेंशियल माइनस जे 3 ओमेगा 3 एक्सपोनेंशियल माइनस जे ओमेगा 3 ऐसी थी सर जी. अब सर वो जो मैं जो इनवेलप प्लॉट करता था वो ओमेगा के रिस्पेक्ट से होता था. ठीक है तो सर अब इसके अंदर देखें जब मैं वो ओमेगा वेरी करूंगा तो जब वो टाइम पीरियड वगैरह इंक्रीज होगा तो ये सर स्ट्रेच और कंप्रेस होगा ये वाला सिग्नल या ये भी उसी की तरह. सुनो 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 ये देखो बात ठीक है, बाद में बताता हूँ क्या हो रहा है. ये आप ये नहीं कह सकते कि ये एक सिग्नल है अलहदा से, ये अपनी हैसियत में एक सिग्नल है. आप अगर इसको किसी कहे ना कि स्ट्रेच या कंप्रेस, ये आप किसी रेफरेंस के तौर पर कह सकते हैं. आप कह सकते हैं कि ये जो सिग्नल है ना ये जे ओमेगा 2 के मुकाबले में स्ट्रेच हो रहा होगा या कंप्रेस हो रहा होगा, लेकिन आप इंडिविजुअली इसके ऊपर नहीं कह सकेंगे कि इंडिविजुअली खुद अपनी हैसियत में क्या है. अपनी हैसियत में आप इसको नहीं कह सकते कि स्ट्रेच या कंप्रेस खुद से हो रहा है. नहीं हाँ ये आप अलबत्ता कह सकते हैं कि जो ओमेगा 2 के हिसाब से सिग्नल था उसके हिसाब से शायद ये कंप्रेस हो गया, जो ओमेगा 1 वाला सिग्नल था उसके रिस्पेक्ट से उसके रेफरेंस से जो है ये कंप्रेस हो गया, लेकिन अपनी हैसियत में ये एक सिग्नल लहदा से है वो उसकी इन्फॉर्मेशन अपनी दे रहा है. ठीक है ना. हाँ लेकिन अगर आप एक फैमिली डिफाइन करते हैं ये कि जे ओमेगा की फैमिली है एक, तो फिर आपकी बात ठीक है कि वो कंप्रेस हो रहा है. ठीक है ना. तो ये एक बात है रेफरेंस विद रेफरेंस टू अदर थिंग्स ये कंप्रेस या स्ट्रेच हो रहा है, लेकिन जब आप एक फोरियर ट्रांसफॉर्म की बात कर रहे हैं तो वो सिर्फ उस फोरियर ट्रांसफॉर्म में स्ट्रेचिंग और कंप्रेशन का मसला नहीं होता. मसला ये होता है कि ये जो सिग्नल है ये फ्रीक्वेंसी की इन्फॉर्मेशन देता है अपनी कि मेरे पास कौन सी फ्रीक्वेंसीज हैं मौजूद हैं. ठीक है ना. ये मेन कॉन्सेप्ट जो पढ़ रहे हैं ना हम सारा, हमारे अनफॉर्चुनेटली हमने इस सब्जेक्ट में कवर करना नहीं है. ये मेन सारा जो है फ्रीक्वेंसी फिल्टरिंग डोमेन का है कि आप फिल्टर्स बनाते हैं इसको, अपने सिग्नल को एनालाइज करते हैं कि इसमें कौन कौन सी फ्रीक्वेंसीज हैं. ठीक है. जैमर्स इस तरह बनते हैं. ठीक है. इसमें डिक्रिप्शन इनक्रिप्शन ये सारे जो है इससे बनती हैं चीज़ें. ठीक है. आपके जो सेल फोन्स में तकरीबन सारा काम शुरू में इसी तरीके से होता था. अभी भी यही टेक्नोलॉजी चल रही हैं. वो उन्होंने एनालाइज किया कि जब आप सिग्नल हवा के थ्रू भेजेंगे कौन सी फ्रीक्वेंसीज पे इफेक्ट ज़्यादा पड़ता है, कौन सी फ्रीक्वेंसीज जब एयर के थ्रू जाती हैं तो वो कम रह जाती हैं, उनका स्पेक्ट्रम देखा जाता है. उनको जब रिसीवर एंड पर रिसीव होती है तो उनका फ्रीक्वेंसी एनालिसिस किया जाता है. इसी इन्हीं टूल्स को यूज करते हुए एनालिसिस किया जाता है. अच्छा इस फ्रीक्वेंसी को हवा जो है ना वो कम ट्रेवल करवाती है, इन फ्रीक्वेंसी को ज्यादा कराती है, तो हम अपनी टेक्नोलॉजी इन फ्रीक्वेंसीज में रखेंगे. तो ये सारी ये चीज होती है. ठीक है ना. तो वो इंडिपेंडेंट होती है. ठीक है. तो ये इसकी एप्लीकेशन है. हाँ जब आप कह रहे हैं कि मैं ओमेगा को देखूं ओमेगा 3 को ओमेगा वाली के साथ देखूं तो उस रेफरेंस से ये कंप्रेस हो रही है. ठीक है ना. तो ये उस डोमेन की एक्चुअल जो है ना इसकी एप्लीकेशन है, फिल्टरिंग डोमेन की. फिर आप फिल्टर्स इसी हिसाब से लगाते हैं कि मुझे जो चाहिए वो ये वाली फ्रीक्वेंसी चाहिए, मेरे काम की फ्रीक्वेंसी ये है तो मैं बाकियों को सप्रेस कर दूं. मेरे पास रिसीवर हर किस्म की फ्रीक्वेंसी रिसीव करता है थोड़ी थोड़ी मिकदार में, लेकिन अगर आप वो सारी की सारी आगे भेज देना तो आपका सिग्नल नॉइज वाला होता है. अगले बंदे को समझ ही नहीं आती कि कौन सी मेरी एक्चुअल बात थी और कौन सी बात थी जो मुझे लेनी ही नहीं थी. तो आप फिल्टर बनाते हैं.
वो फिल्टर आपको समझ ही तब आती है जब आपको फ्रीक्वेंसी डोमेन एनालिसिस होता है, ठीक है। आई होप के ये चीज क्लियर होगी होगी कि स्ट्रेचिंग का जो बात होती है वो हमेशा विद रेफरेंस होती है। आपको ये भी ध्यान में रखे ना, जब हमने बात की थी ना कि आप सिग्नल को स्ट्रेच करते हैं, तो हमने ये किया ना एक्स ऑफ थ्री है, एक्स ऑफ टी है, तो जब हम एक्स ऑफ थ्री टी करते हैं तो हम ये यही कहते हैं ना कि एक्स ऑफ टी एक्स ऑफ थ्री टी एक्स ऑफ टी का कंप्रेस्ड वर्जन होगा। ये तो नहीं कहा ना कि एक्स ऑफ थ्री टी बस कंप्रेस्ड वर्जन होगा, यही तो कहा है कि एक्स ऑफ थ्री टी एक्स ऑफ टी का कंप्रेस्ड वर्जन होगा, ऐसी बात की थी ना हमने जी। हाँ, तो ये रेफरेंस है, जो कंप्रेशन है और स्ट्रेचिंग है ये रेफरेंस विद रेफरेंस होती है, ठीक हो गया। एनी मोर क्वेश्चन आपकी तरफ से, कोई क्वेश्चन? उमेमा जी, अफनान को मैंने अनम्यूट कर दिया है। अफनान कोई क्वेश्चन आपका? मैंने आपको अनम्यूट कर दिया गलती से जी। उमेमा आपका क्वेश्चन? सर इसको हम लोग प्लॉट कैसे करेंगे? दोबारा दोबारा बोले, प्लॉट कैसे करेंगे इसको? जी हाँ, प्लॉट क्यों मुश्किल काम है प्लॉट करना? मैं थ्री एक्सपोनेंशियल माइनस जे ओमेगा, माइनस जे ओमेगा हमेशा आपके पास एक डिकेइंग एक्सपोनेंशियल ही होता है, ठीक है ना? थ्री आप, आएगा हाँ, और इसकी जो हाइट होगी वो थ्री से स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। एक आध पॉइंट और ले लें, आपको आइडिया हो जाना चाहिए। मेरे ख्याल है इसमें एक पॉइंट मुझे और जेन में भी आ नहीं रहा, लेकिन एक पॉइंट एक ऐसा होना चाहिए जिसपे ये वन की फॉर्म दिखाए आपको, ठीक है ना? ये मैं दूसरा पॉइंट भी आपको कंफर्म कर दूंगा, लेकिन मेरे ख्याल ज्यादा इसी तरीके से एक ट्रेंड होता है और दूसरा इसकी पीक देखी जाती है। इसकी पीक आएगी थ्री पर, क्योंकि जब आप मेगा जीरो पुट करेंगे तो थ्री पीक आएगी। दूसरा आपको ये इसका ट्रेंड पता होना चाहिए कि दिस ट्रेंड विल बी अ डिकेइंग ट्रेंड, क्योंकि जैसे जैसे आप मेगा इंक्रीज करेंगी तो ये डिके करेगा, ठीक है। तो ये इसकी प्लॉटिंग होगी। जब ओमेगा को वन पुट करेंगे तो फिर वो थ्री आ जाएगा? नहीं, ओमेगा को नहीं, ओमेगा को जब आप जीरो पुट करेंगे तब थ्री आएगा, थ्री एक्सपोनेंशियल माइनस जीरो, तो थ्री एक्सपोनेंशियल पावर जीरो इज वन। नहीं सर, मैं ई डिस्ट पर माइनस जे थ्री की बात कर रही हूँ, आपने थ्री मिस किया होगा। अच्छा, ये बात कर रही हैं? जी सर, थ्री ओमेगा था ना हमारा, ये था ना? जी सर। तो जब ओमेगा जीरो पुट करूंगा तो पीक थ्री आएगी, जब ओमेगा मैं वन पुट करूंगा तो जे थ्री आएगा, एक्सपोनेंशियल माइनस जे थ्री। अब ये एक्सपोनेंशियल खुद 2.7 समथिंग होता है ना, इसलिए हम इस पर रिस्क नहीं लेते हैं हम लोग, ठीक है ना? ये इशू है, या तो कैलकुलेटर हो तो कैलकुलेटर में हम एक पॉइंट और निकालें और उसको बता दें। इसमें कुछ चक्कर होता है, क्योंकि कैपेसिटर्स वगैरह में करते हैं ना, तो एक चक्कर होता है जिसमें हम 0.67 का पॉइंट लेते हैं। आपको याद हो जब कैपेसिटर्स की चार्जिंग निकलती है ना, तो उसमें भी इक्वेशन निकलती है माइनस टी बाई आर सी वाली, तो उसमें 0.67% का पॉइंट निकाला जाता है, किसी 7% कहाँ पर जाकर होगी, तो वो पॉइंट भी निकाला जाता होता है। लेकिन आप फिलहाल एक यही कर दें कि इसकी पीक कहाँ पर होगी और इसका ट्रेंड क्या होगा, तो ये काफी होता है एक्सप्लेन करने के लिए, ठीक है? किसी भी एक्सपोनेंशियल को, क्योंकि अगर प्लस होगा तो ये राइजिंग होगा, ठीक है ना? और उसकी पीक प्लस होगा तो ये इस तरह का राइजिंग होगा, थ्री से इस तरह से राइजिंग होगा, ठीक है ना? बस ये ट्रेंड्स जानना जरूरी होते हैं, ये इसलिए हम कवर नहीं कराते हैं क्योंकि मैथमेटिक्स में आप बहुत डिटेल में पढ़ के आए होते हैं, ठीक है? सर जब ये प्लस होगा तो ये दूसरी साइड भी नहीं जाएगा, जैसे हम लोगों ने पीछे किया था, पीछे की साइड से मुराद इस तरफ? इस तरफ यस सर। नहीं, पीछे की साइड पर क्यों जाएगा, आप तो मेगा इंक्रीजिंग की साइड पर लेकर जा रहे हैं ना, पीछे की साइड पर तो इधर बैक साइड से मेरे ख्याल है यूं आ रहा होगा, क्योंकि